पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है और ये आज़ादी मिली है कई महान क्रांतिकारियों के बलिदान से। ऐसे ही आज़ादी के महानायक हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गहरा नाता रहा है। तो चलिए देखते हैं आज़ाद ने ग्वालियर से कैसे लिखी आज़ादी की गाथा। स्वतंत्रता की जंग से ग्वालियर का नाता, जहां आज़ाद ने लिखी आज़ादी की गाथा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का ग्वालियर की इन गलियों से गहरा नाता है। इन्हीं गलियों से गुजरकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद किया। जनकगंज इलाके का एक पुराना मोहल्ला शेख की बगिया में आज भी चंद्रशेखर आजाद के किस्से सुनाए जाते हैं, क्योंकि यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण पांडे के घर पर आजाद गुपचुप बैठके कर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाते थे। रामकृष्ण पांडे चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी दल के अभिन्न हिस्सा थे। ग्वालियर की ये वही गली है जहां कभी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का आना जाना होता था। आप देख सकते हैं कि इस गली में ही चंद्रशेखर आजाद के अभिन्न मित्र रामकृष्ण पांडे का आप मकान देख सकते हैं। ये पुश्तैनी मकान है और इसी मकान में चंद्रशेखर आजाद का आना जाना होता था और इसी मकान में अपने दोस्तों के साथ वह अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर रणनीति बनाते थे। साथ ही साथ इसी मकान में बम बनाए जाते थे और उन बमों का उपयोग वह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ करते थे। बताया जाता है कि रामकृष्ण पांडे की हनुमान चौराहे पर एक नाश्ते और मिठाई की दुकान थी और इन्हीं कचोरी और मिठाइयों के डब्बों के नीचे बम के गोले चंद्रशेखर आजाद तक पहुँचाए जाते थे। ये जो मकान देख रहे हैं ये मेरे दादाजी स्वर्गीय रामकृष्ण पांडे जी का मकान है और वो उनके परम मित्र थे चंद्रशेखर आजाद के। भगत सिंह से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी और यहीं उनकी मदद के लिए सामग्री इकट्ठी बनाई जाती थी। किस प्रकार से आगे अपन को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करना है उसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर बम बना करके डबले में बम बनाते थे। उस जमाने में बाबा हमारे बताते थे कि डबले के अंदर बम बना करके उनके ऊपर प्रयोग किया जाता था। जनकगंज इलाके में बनी यह डिस्पेंसरी आज़ाद के साहस की साक्षी है। 1930 के दशक में यहीं पर पुलिस चौकी हुआ करती थी। चंद्रशेखर आजाद जब यहां के लक्ष्मी नारायण मंदिर में ठहरे थे तभी अंग्रेजों ने घेराबंदी की तैयारी कर ली थी। जब ये बात आजाद को पता चली तो उन्होंने पुलिस चौकी पर बम फेंक दिए थे। एक बार अंग्रेजों के सिपाहियों को यह पता चला कि चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर के जनकगंज इलाके के लक्ष्मी नारायण मंदिर में ठहरे हैं, अंग्रेजों ने उनकी घेराबंदी कर ली थी, तब यह बात रामकृष्ण पांडे के जरिए चंद्रशेखर आजाद को पता चली तो चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम पांडे से बम के गोले लेकर इसी पुलिस चौकी पर फेंक दिए थे और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद मौके से भाग गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में लेखक राम विद्रोही की पुस्तक नया सवेरा के कुछ अंश आज भी दीवारों पर आजादी के लिए लड़ी गई इस लड़ाई की गवाही देते हैं। जब भी चंद्रशेखर आजाद जी ग्वालियर आते थे अपने क्रांतिकारी कार्य के हिसाब से तो उनका मंदिर में आना लगा रहता था। जब भी ग्वालियर आते थे मंदिर चक्कर लगता था और कुछ यहाँ उनके साथी लोग थे जो अननोन थे उनसे मुलाकात होके आगे के प्लानिंग करने करते थे। आज हम जश्न मना रहे हैं, आज़ादी के गीत गा रहे हैं और ये हुआ है चंद्रशेखर आजाद जैसे महानायकों की वजह से। और ऐसे ही महानायक की गाथा ग्वालियर की हर गली में आज भी गूंज रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो गली है तंग गली वह चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है, उनकी याद से जुड़ी हुई है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, बिस्ता न्यूज़।